तो गाइस कुछ भाइयों ने बोला था कि जैसे आपने फ्यूल मीटर लगाया डिजिटल, वैसे ही आप स्पीड मीटर भी डिजिटल लगाइएगा। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस इस मीटर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। और गाइस इस मीटर को इनसाइड इंस्टॉल करने के लिए आपको जो स्टोक वाला मीटर है उसमें काफ़ी कुछ जो है ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये मैं आपको वीडियो से पहले ही बता देता हूँ। कुछ भाई जो है डिफेंड होते हैं कि भाई बाइक का जो स्टोक वाला जो सेटिंग है वो चेंज होगा, तो भाई वो तो डेफिनेटली चेंज होगा अगर आप ऐसी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिएगा सबसे पहले मैं इसका स्टोक वाला मीटर है उसको खोल लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस मीटर को मैंने खोल लिया, अभी इसको जो है डिसअसेंबल करेंगे। तो यहाँ पर चार स्क्रू लगे रहते हैं, इसको खोल के इसका पीछे वाला केस खुलेगा और उसके बाद इसके अंदर भी कुछ जो है स्क्रू लगे रहेंगे, तो इसको आप आसानी से खोल सकते हो। तो सीधा मैं आपको जो है डायरेक्ट इसको खोल के फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए गाइस अभी मैंने इस मीटर को खोल लिया है और आप यहाँ पर स्पेस देख सकते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर आप देखते हैं ये जो मीटर है, जो डिजिटल मीटर है हमारा, ये यहाँ पर नहीं लग सकता और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है स्पेस बनानी पड़ेगी। तो जितने भी इसमें जो है कंपोनेंट जो हम बीच में आ रहे होंगे प्लास्टिक वाले, तो उनको मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इन सभी को मैं पहले ब्रेक कर लेता हूँ। तो गाइस आप देखते हैं मैंने जो डिजिटल मीटर है उसको भी खोल लिया है, क्योंकि केस के साथ ये काफ़ी बड़ा है तो इसका मुझे नीचे वाला केस तो लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाला जो ग्लास वाला इसका जो केस है उसको मैं हटा दूंगा। तो इस टाइप से यहाँ पर मेरे को जो है इसके केस को लगाना है। और आप देखते हैं यहाँ पर जैसे अलाइनमेंट है इन होल्स की, तो ये मेरे को बनाने पड़ेंगे स्टॉक वाले मीटर में। तो गाइस यहाँ पर मैंने सिंपली जो पीछे वाला जो इसका केस था न्यू वाली मीटर का, उसको खोल के यहाँ पर ऐसे इसमें जो है होल बना लिए हैं। अभी सीधे मैं जो है इसको फिट करूँगा और इसमें जो लगा हुआ था सामान उसको लगा के, और पीछे से जो इसके दो नट निकलेंगे उनको मैं अच्छे से टाइट कर दूँगा। तो गाइस आप देखते हैं पीछे से इसके बोल्ट टाइट करने के बाद इसकी जो फिटिंग है प्रॉपर हो चुकी है। वो अब इसका हम जो है वायरिंग का कनेक्शन करेंगे। तो गाइस आप देखते हैं टोटल इसकी चार वायर्स हैं, उनमें से हमें जो है तीन का कनेक्शन करना पड़ेगा और एक जो है वो फ्यूल मीटर की है। तो फ्यूल मीटर हम ऑलरेडी जो है डिजिटल वाला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो ग्रीन वाली वायर है वो जाएगी नेगेटिव में, ये ब्लैक वाली जाएगी आपके पॉजिटिव में, और ये जो ब्लू वाली वायर है ये हमारी जो है फ्यूल मीटर की है, इसका हम जो है कनेक्शन नहीं करेंगे। और ये जो है ये आरपीएम वाली वायर है जो रेड ब्लैक है, तो इसका हम जो है तीनों का कनेक्शन करेंगे। तो गाइस आप ग्रीन वायर को देख सकते हैं ये नेगेटिव की है, तो आपको जो है ग्रीन वायर मीटर में ही मिल जाएगी। तो इसका हम जो कनेक्शन है मीटर में जो अंदर जो है जो ग्रीन वायर मिलेगी उसके साथ हम कर देंगे। तो यहाँ पर ये ग्रीन वायर है, इसके साथ मैं इसका कनेक्शन करके इसको अच्छे से यहाँ पर अभी मैं टेप कर देता हूँ। और उसके बाद आती है बारी ये ब्लैक वायर की, तो गाइस ब्लैक वाली वायर भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो न्यूटन वाली लाइट चलती है उसको जो है ब्लैक वायर मतलब कि उसको पॉजिटिव का कनेक्शन जो है डायरेक्ट दिया जाता है, इसलिए आपको मीटर के अंदर ही पॉजिटिव का कनेक्शन जो है मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक वायर के साथ इस ब्लैक वायर को जो है अटैच करके अच्छे से टेप वगैरह कर देता हूँ। और गाइस अभी हमारी ये जो है ये आरपीएम मीटर वाली वायर बच गई है, तो इसका हम जो है एक्स्ट्रा कनेक्शन करेंगे। तो ये इसका हम यहाँ पर कनेक्शन अंदर में नहीं करेंगे, तो इसको जो है ये मीटर की जो वायरिंग हार्डनेस जो बाहर आती है उसके साथ ही हम इसको जो है टेप वगैरह करके ऐसे बाहर की ओर ले जाएंगे और इसमें जो है एक्स्ट्रा वायर लगेगी हमारी। तो चलिए गाइस मैं मीटर को वापस से फिट करके इसकी वायरिंग जैसे मैंने निकाली थी वैसे लगा दूंगा। इसका कलर कोड होता है, जैसे कलर कोड निकालोगे वैसे इजीली आप जो है लगा सकते हो। तो चलिए गाइस अभी ये आरपीएम मीटर वाली वायर है, इसके साथ मैं एक्स्ट्रा वायर को जो है ऐड कर देता हूँ ब्लैक कलर की। तो इसके मैं जो है अच्छे से टेप वगैरह कर देता हूँ और ये लगेगी हमारी जो है कॉइल में, इग्निशन कॉइल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये येलो कलर की इग्निशन कॉइल है, आपकी बाइक में ये ब्लैक कलर की होगी। तो इसमें आपको पॉजिटिव की वायर ढूंढनी है, तो पॉजिटिव वायर यहाँ पर मेरे को मिल गई है ऊपर की साइड। तो इसका कलर जो है ब्लैक और बीच में येलो की पट्टी है, तो इसमें मैं इसको लगाऊंगा। सिंपल आपको ये थिम्बल को ऐसे खोलना है, ये वायर को यहाँ पर लगाना है और थिम्बल को वापस ऐसे जो है अच्छे से टाइट कर देना है। तो चलिए गाइस अभी इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस आप देखते हैं मीटर हमारा जो है अभी काम कर रहा है, तो अभी मैं इसको जो है स्टार्ट करके आपको इसका आरपीएम भी अभी चेक करवाता हूँ। तो आप देखते हैं यहाँ पर आरपीएम भी अभी शो हो रहा है,
इसका मतलब कि हमारी आरपीएम का जो कनेक्शन है वो भी अच्छे से हो गया है। तो गाइस अभी हम इसका जो स्पीडोमीटर है वो देखेंगे कि वो काम कर रहा है नहीं। तो यहाँ पर आप देखते हैं, मैं अभी इसके जो टायर को ऐसे घुमाऊंगा इसके व्हील को, तो आप देखते हैं यहाँ पर ये अभी यहाँ पर रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब हमारा जो स्पीडोमीटर है वो भी हमारा जो है अच्छे से काम कर रहा है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मीटर परचेज करना रहेगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको जो परचेज कर सकते हैं। सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।